दोस्तों, अगर आपके भी बियर्ड नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आपका गाल चिकना है, अगर बियर्ड भी आती होगी तो सिर्फ मूछ और यहाँ पर कुछ एरिया पर बियर्ड आती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। मैं मानता हूँ आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, बियर्ड ऑयल बहुत चीज़ आपने ट्राई कर चुका है, फिर भी आपका बियर्ड नहीं आया और आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका भी बियर्ड मेरी तरह आ जाएगा। आप इस समय देख रहे होंगे कि मैं पूरा चिकना हो चुका हूँ, लेकिन दोस्तों हकीकत बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने बियर्ड को सेव करा लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से सेव करा लिया है और मेरा मुस्टैच जो है अभी दोस्तों मैंने रखा है, ठीक है, मैं मुस्टैच नहीं सेव कराया। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का डिमांड रहता है कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज करूं ताकि मेरा फुल बियर्ड आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपका फुल बियर्ड बिल्कुल आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ अपना पिक दिखा देता हूँ और कुछ मैं अपना वीडियो वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए, और आपको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यकीन करेंगे हमारे इस चैनल पर। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहां पर फ़ोटो देख सकते हैं, ये 2 महीने पहले का है और ये दोस्तों अभी इस समय का जब मैंने सेव कराया था, ठीक है। और यहां पर मैं जब क्रिकेट गया था दोस्तों के साथ खेलने, तब का ये पिक है, 1 हफ्ता पहले का। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये 12-13 दिन का फ़ोटो है, और यहां पर देखिए दोस्तों, ये भी 10-11 दिन का है। और यहां पर एक फ़ोटो मैं आपको शो कर रहा हूं, यहां पर सेव कराने से पहले का फ़ोटो है, और लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये 25 दिन का फ़ोटो है ना, अच्छा ग्रोथ बियर्ड का। सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बट ये बेबी हेयर्स नहीं हैं, अब ये धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं। दोस्तों ये रहा मेरा दूसरा पिक, मैं आपको बहुत ढेर सारा पिक दिखाऊंगा और एक वीडियो भी आपको शो कराऊंगा, तब जाकर आपको विश्वास होगी, और विश्वास दिलाना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप यकीन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो मैंने खुद अपने हाथों से शूट किया, आप इसमें मेरा फेस भी देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए मोटे मोटे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ पिंपल्स हैं, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे रिमूव भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ इस समय, क्योंकि जब मेरा बियर्ड नहीं था तो मेरे दोस्त भी मुझे बहुत चिढ़ाते थे, यार स्कूल में बहुत बेइज्जती महसूस होती थी, इसलिए मैं भी लगा सर्च करने, यार कौन सा असली प्रोडक्ट है जो यार सच में बियर्ड पर वर्क करती है। और दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 245 रुपये का मैंने एक बियर्ड ऑयल मैंने परचेज किया था, उससे दोस्तों कुछ नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं किया मेरे बियर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया, उसके बारे में दोस्तों थोड़ा जानकारी हासिल की, फिर पता चला बाद में हाँ इससे बियर्ड आती है, बट उसके बारे में भी लोग अफवाह उड़ाने लगे कि इससे बियर्ड नहीं आती है। तो चलिए मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, कैसे आपको लगाना, कहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा, कितने में मिलेगा, फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहां पर बियर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके भी दाढ़ी नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहां पर कुछ प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ यही मंगाना है और सस्ते में भी मिल जाएगा। चलिए मैं इनके बारे में कुछ बातें करते हैं आपसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप मंगाएंगे 1200-1300 रुपये में आपका फुल बियर्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, कोई नहीं पहचान आएगा कि भाई तूने बियर्ड कैसे इतना, कोई यकीन ही नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए मैं ये देखिए, सबसे पहले ये डर्मा रोलर है दोस्तों, इसे क्या करना है दोस्तों, आप अपने गालों पर इसे रगड़िएगा, जहां पर आपको बियर्ड चाहिए वहां पर दोस्तों आपको बियर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसे कैसे यूज करना है, इसे दोस्तों कम से कम 2-3 मिनट तक आप अपने गालों पर रगड़िएगा, जब तक वहां पर थोड़ा रेड ना हो जाए। ध्यान रहे कि दोस्तों इसे ज्यादा नहीं रगड़ना है और तेजी से नहीं रगड़ना, दबाकर नहीं रगड़ना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिनोक्सिडिल, दोस्तों सबसे मेन यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बियर्ड का यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है दोस्तों, इसका प्राइस दोस्तों आपको मिल जाएगा 449 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। इसे कैसे लगाना दोस्तों, आपको इसे सिर्फ शाम को लगाना है, 6 से 7 बजे के बीच में लगा लीजिएगा, सोने से 1.5 घंटा पहले आपको इसे लगा लेना, सिर्फ एक टाइम लगाना है। अगर आप मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो आपके फुल बियर्ड आने लग जाएंगे दोस्तों, रगड़ने के बाद, मतलब ये डर्मा रोलर रगड़ने के बाद आपको
इसे लगाना है, ठीक है। इसे लगाने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपको ये बायोटिन खा लेना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको 60 टैबलेट मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टैबलेट किस तरह के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से टैबलेट मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं, कंपनी वालों ने यहाँ पर शैम्पू भी दे रखा है दोस्तों। मुंह धोकर इसे आपको लगाना है, ठीक है। पहले आप मुंह धोएंगे शाम को, फिर डर्मा रोलर लगाएंगे, फिर उसके बाद आप मिनोक्सिडिल लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको खाना खाने के बाद आप दवा तुरंत भी खा सकते हैं या 5-6 मिनट बाद भी खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका काम क्या है, ये जो टैबलेट है दोस्तों, आपके बियर्ड एरिया पे जितने कमज़ोर हेयर्स रहते हैं, पतले पतले छोटे छोटे, जो कि दोस्तों फ्लेश मारने से भी आपको नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें दोस्तों ये तैयार करता है, बूस्ट करता है, काला बनाता है, मोटा बनाता है। और ये है दोस्तों ट्यूब, दोस्तों आपको इसमें ले लेना है मिनोक्सिडिल, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 mm लेना है। आपके चेहरे पे दोस्तों शुरुआती में 1 mL बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको 1 mL लेना है और लगा लेना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को या सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। एक बात और दोस्तों, ये कोकोनट ऑयल आपको इसे सुबह में लगाना है, इससे भी दोस्तों बहुत तेज़ी से बूस्ट मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।